चलो बेटा, लास्ट लास्ट चैप्टर ये दो भाग में रहेगा आपका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिंदी में कहा जाता है वित्तीय विवरण। विवरण देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ये सीढ़ी है और समझो ये भी हमारे क्या है, भगवान है, लॉर्ड कृष्णा, गॉड, ठीक है। चलो जितनी भी मेहनत करी थी, जितनी भी प्रार्थना करी थी भगवान को पाने के लिए, वैसे यहाँ पर आपने जितना भी अकाउंट करा है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पाने के लिए है ना, इसलिए चैप्टर इतना है। मतलब मतलब आपने अकाउंट की शुरुआत कब से किससे करी थी, बुककीपिंग से। बुककीपिंग फिर हमने चालू करा था अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या करा था, सबसे पहले जर्नल एंट्री, फिर सब्सिडी बुक्स बनाई थी, फिर हमने बनाया था लेजर्स, उन प्रिपेयर करे थे लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर डेप्रिसिएशन करा। इसी तौर पर बहुत सारे हमने अकाउंट चैप्टर सुन करे। ओवरऑल अकाउंट का मतलब क्या, हमें क्या जानना था, हमारे बिजनेस की स्थिति जानने के लिए। मतलब इन सबको बनाने का एक ही रीजन रहता है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना। मतलब बोल सकते सर ये सभी चैप्टरों का क्या एक हेड है, मतलब इसके लिए ही एक अकाउंटेंट सारी एक्टिविटी करता है। हर एक बिजनेसमैन क्या जानना चाहता है, दो चीज जानना चाहता है। क्या चीज जानना चाहता है, पहला कि मैंने इस साल क्या प्रॉफिट कमाया, करंट ईयर की पोजीशन जानना चाहता है कि उसे इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक। और क्या जानना चाहेगा, दूसरा जानना चाहेगा वो अपनी ओवरऑल सिचुएशन। कि जब से उसने बिजनेस स्टार्ट करा तब से लेके अब तक में क्या स्थिति उसकी, ठीक। आप ये जानना चाहोगे यार इस साल हमने क्या कमाया और जब से हम इंदौर आए तब से अब तक में हमारे पास क्या क्या है, ठीक। तो दो तरीके से हर बिजनेसमैन स्थिति चालू जानना चाहेगा कि इस साल उसने बिजनेस में क्या कमाया और जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक में क्या कमाया। इनके लिए ही दो स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। मतलब कंपनी या सॉरी यहां पर हम सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहे हैं, कोई एक बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बिजनेस ये जानना चाहता है कि उसकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन और ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है एक बिजनेस में। इसके लिए वो दो स्टेटमेंट बनाता है। अभी तो सोल प्रोप्राइटर के बेस पे अपन तीन बताते हैं। पहला बनाएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हिंदी में कहा जाता है बेटा व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, और तीसरा बनाता है बैलेंस शीट। मतलब अब इसमें आपको एक अकाउंट नहीं, दो अकाउंट नहीं, तीन अकाउंट बनाने। टफ नहीं है, बस ये ऐसा है कि आपने यहां पर खत्म हुआ, ट्वेल्थ आपका इसे चालू होगा। ट्वेल्थ में एक आधी चैप्टर ही शायद होंगे जिसमें बैलेंस शीट नहीं बताई होगी, आई थिंक एक आधी भी नहीं मिलेंगे आपको, बहुत ही कम मिलेंगे, ठीक है। बाकी ये सबसे ज्यादा मेन, एक अकाउंट एक का काम यहाँ पर खत्म हो जाता जब उसने बैलेंस शीट बना दी, मतलब आपका अकाउंट का काम कंप्लीट हो गया। चलो पहला निकालो उसकी थ्योरी, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एट द एंड ऑफ ईयर
साल के अंत में विद अ व्यू ऑफ टू असर्टेन द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द पीरियड एंड ऑल्सो फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द पर्टिकुलर डे द सेट ऑफ अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर आर नोन एज फाइनल अकाउंट्स। मतलब इसने क्या बोला कि साल के अंत में हर एक व्यापारी अपने व्यापार की स्थिति जानना चाहता है कि फाइनली उसके बिजनेस की सिचुएशन क्या है उस दिन पर। ठीक है, द सेट ऑफ है ना अकाउंट विच आर प्रिपेयर, वो अकाउंट जो हम क्या कर रहे हैं फाइनल डे पे प्रिपेयर कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं फाइनल अकाउंट। इट्स है ना क्या है कंप्राइजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसका अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बता दे, वो एक ही एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट। चेंज करो इसका, ये आपको करना पड़ेगा। इंपोर्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण बनाने के उद्देश्य क्यों बनाया जाता है, ये क्यों बनाया जाता है, इसके पहले अपन इसको बनाना ही सीख जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा क्यों बनाया जाता है। पहले अपन सीधा प्रैक्टिकल समझते हैं, इसके बाद थ्योरी लिखेंगे। इसमें अपन सबसे पहला अकाउंट बनाना चालू करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता। ट्रेडिंग अकाउंट, एक बात बताओ, एक प्रोडक्ट लाइक एक बुक है ये आप तक आई है तो पहले सबसे पहले बुक बनी होगी कहां पे, बनी होगी फैक्ट्री में। कोई सा भी प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्शन होता उत्पादन होता कहां पे होता, कारखाने में, प्रोडक्ट में कारखाने में बहुत सारी प्रोसेस होती है तब जाके बुक बनकर तैयार होती है। ठीक है, इस बुक के लिए क्या क्या चाहिए, लकड़ी का चूरा, लकड़ी का बुरादा कहा जाता उसको, लकड़ी का चूरा लगता, उससे कागज बनते, कागज से फिर कटिंग होगी, फिर कटिंग के बाद क्या लगेगा पेज का पूरा शेप होगा पूरा, फिर इसके बाद इतना सब कुछ टाइप करा तो टाइपिस्ट ने मेहनत लगी है, फिर उसको प्रिंट करवाया होगा, प्रिंट के बाद फिर बाइंडिंग करके बुक में कन्वर्ट करवाया होगा, देन फिर इसमें ग्लू लगा होगा, ये इसके कवर लगे होंगे, इसके लिए इंक लगी होगी, कितनी सारी चीजें लगी हुई तब जाके प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ। अब यह प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकल के कहां पर गया, शॉप पर, फिर शॉप से कहां पर आया, आपके पास आया। मतलब फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो अकाउंट्स बनाते किसी प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड जो अकाउंट बनाते उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। ठीक है सर, ऐसा अकाउंट जो किसी प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड होता है, ठीक है, ऐसे अकाउंट को क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बोल सकते हैं ना, निर्माण खाता। तो चलो अब इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर हम बनाएंगे सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक फैक्ट्री जानना चाहती है कि ओवरऑल उसको एक बुक बन के कितने में तैयार हुई है, ये भी बनता है ईयर एंडेड पे, तो इसलिए लिखेंगे हम फॉर द ईयर एंडेड। कब एंड हो रहा है ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर चालू कब होता है, एक अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। कैलेंडर ईयर चालू होता है हमारे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसलिए आपकी एग्जाम मार्च में खत्म हो जाती है, मार्च अप्रैल तक जाती है, लेकिन नॉर्मली क्या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, अगले साल के 31 मार्च, 12 महीने का हुआ। अगर बोला फाइनेंशियल ईयर कब चालू होगा 21-22 का ना,
ये अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2021 चल रहा है। मतलब हर व्यापारी के लिए, हर एक बिजनेसमैन के लिए फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ था 1 अप्रैल 2020 में, तो ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2021 में। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, ठीक है। 12 महीने यहाँ पर आएंगे, तो इसलिए बोला जाता 2021। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा 2021 19 20, तो 19 20 साथ में बोलते, तो 2 साल नहीं, 1 ही साल है। बस ये रहता कि सर ये चालू अप्रैल से हो रहा है और अगले साल 12 महीने हो रहे मार्च में, इसलिए 2021 बोला जाता है। और अब अगला साल कब चालू होगा, 1 अप्रैल 2021 से, तो खत्म कब होगा, 31 मार्च 2022 में। तो ये साल कौन सा हुआ, 21 22, फिर 22 23, ऐसे चलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो 2 साल नहीं, 1 ही साल काउंट होता है। टी फॉर्मेट भी बनेगा, डेबिट का कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर द ईयर एंडेड, ये केवल ईयर एंड पे बनता है। एक बार बन रहा है, डेट का कॉलम इसलिए नहीं बनता क्योंकि डेट हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी है। अगर जैसे एमपी वर्ड में ईयर कहाँ पे एंड कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर पे कर रहे हैं, 31 दिसंबर में। और जबकि सीबीएसई में कहाँ पे एंड कर रहे हैं, 31 मार्च में खत्म हो रहा है ना। चलो इस बुक का एग्जांपल लेके चलते हैं। ये फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। अब एक बुक बनानी है फैक्ट्री, लाइक मेरा कारखाना है और मुझे इस साल 5000 बुक्स बनानी है, तो इस बुक के लिए जो रॉ मटेरियल है वो मेरे पास पिछले साल का थोड़ा बहुत पड़ा है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग होगा। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 ओपनिंग स्टॉक। इसे किस नाम से जाना जाता है, बैलेंस बीडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है इस साल 5000 बुक बनानी और जो मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा है वो कम है, बुक का एग्जाम्पल चेंज कर लेते, दूसरा कर लेते, स्वेटर का कर लेते, ठीक है, कि इस साल मुझे 5000 स्वेटर बनानी है ताकि मैं एमपी में या इंदौर में पूरा सप्लाई कर सकूं। लेकिन 5000 स्वेटर के लिए मुझे बहुत सारा ऊन चाहिए। मेरे पास इतना ऊन है कि 2000 स्वेटर बना सकता हूं, 3000 और बनाने के लिए और ऊन खरीदना पड़ेगा। तो आपने और परचेस करा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, इसे अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में आप इतना सारा मटेरियल मंगाते तो हो सकता है कई बार कुछ खराब हो जाए, तो इनमें से आपने कुछ रिटर्न कर दिया तो रिटर्न माइनस करके नेट परचेस को बाहर लिखेंगे, परचेस रिटर्न माइनस कर दो तो यहाँ पे परचेस हो जाएगी। जब 2000 का मटेरियल तो पहले से पड़ा था और 3000 रुपए का हमने और खरीदा, मटेरियल हमारे पास आ गया। अब इसको बनाने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस, इन सबको बोलते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको आएगा एमपी बोर्ड और सीबीएसई और आईसीएसई सबको आता है। व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में सीधे ही इसके ऊपर चार्ज किए, बेचने से रिलेटेड खर्चे अलग होते हैं। अगर पेप्सी का एड आ रहा है और सलमान खान आ रहा है एड कर रहा है, बोर्डिंग्स लगे, पोस्टर्स लगे, तो ये सारे खर्चे उसको बनाने से रिलेटेड नहीं, बेचने से रिलेटेड है ना। हमें क्या पता करना है कि भैया इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लगा है, ठीक है। ये खरीदा है, इसका वो चुका, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। इसके ऊपर लेबर लगी, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। पेज में कन्वर्ट कर दे की कोई सी भी प्रोसेस हो, ठीक है। एक लेबर ने इसमें कितनी मेहनत लगाई है, कितना टाइपिस्ट को पैसा दिया, कितने की इंक लगी, कितने के पुष्टे आए, कवर आए, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है, पहले तो अपन ये समझ जाते हैं कि सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पर आएंगे, इस तरफ आएंगे।
सारे खर्चे मिला लोगे तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। ठीक, इस प्रोडक्ट को बेचा कितने में आपने, यहाँ पर आएगी बाय सेल्स, इसमें से माइनस कर देंगे हम सेल्स रिटर्न। हो सकता कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो हमने बेचा वापस आ गया, सेल्स रिटर्न को अपन यहां पे लिख देते, और यहां पर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब बेटा टोटल करेंगे, देखेंगे टोटल कहां का है। इसका टोटल अगर ज्यादा आता है तो ज्यादा वाले टोटल में से हम कम को घटा देते तो डिफरेंस अमाउंट हमारा यहां पर आएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डिफरेंस हमारा इस तरफ आता है क्या ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब सर ऐसा प्रॉफिट जिसमें से हमने केवल किसके प्रोडक्ट के एक्सपेंसेस घटाए, बनाने से रिलेटेड एक्सपेंसेस घटाए, बेचने से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं घटाए, क्योंकि ये बुक मैंने फैक्ट्री में से थोड़ा बेची, फैक्ट्री में तो बनी है ना, मतलब ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से हमने फैक्ट्री के खर्चे घटाए। एक्चुअल तो आपको पता नहीं अभी प्रॉफिट क्या हुआ, क्योंकि फैक्ट्री से इसको मैंने क्या करा, शॉप तक पहुंचाया तो ट्रक का भाड़ा लगा है, फिर एडवर्टाइजमेंट करवाए होंगे, फिर शॉप में भी बहुत सारे खर्चे हुए होंगे, शॉप किराए की तो किराया है, सैलरी, स्टाफ का, ऑफिस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, कितने सारे खर्चे, उनको भी तो घटाना है। वो सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, हमें तो केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखना है। अगर हमारी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो डिफरेंस अमाउंट यहां पर आएगा, और हो सकता है कि हमारा खर्चा ज्यादा हो गया और इनकम कम हुई है, तो डिफरेंस अगर इधर आया तो इसे क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस लॉस। अभी तो बेटा फॉर्मेट इतना याद रखो, बहुत आसानी से हो जाएगा, पहला ही अभी अकाउंट बना है, अभी इसमें खर्चे बहुत सारे हैं, फिर देखेंगे फैक्ट्री में कौन कौन से खर्चे होते हैं, पहले इसको नोट करो। बेटा आप देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या, ऐसे कौन से खर्चे होते हैं जो नॉर्मली किसी प्रोडक्शन के लिए होते हैं, किसी फैक्ट्री में होते हैं। नीचे लिख लो लिस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लिस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, किसी जगह में आ जाएगा ना, बिल्कुल आसानी से जाएगा। देखो लिस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक एक समझाएंगे भी एक्सपेंसेस क्या होता। सबसे पहले आएगा कैरिज इनवर्ड, इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों होगा, कैरिज इनवर्ड का, इनवर्ड का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा, इनवर्ड मतलब अंदर आते समय। अब इस फैक्ट्री में ध्यान रखो, अगर मुझे बुक बनाना है तो बुक के लिए मुझे रॉ मटेरियल तो चाहिए, तो रॉ मटेरियल कहां से आएगा, पेड़ों के पास, मतलब जंगल अंगल से जो भी इसका होलसेलर होगा वहां से आएगा। ठीक है, कोई सी भी कंपनी कोई सा भी प्रोडक्ट बना रही है, लाइक सोयाबीन की कंपनी तेल बना रही है तो उसको सोयाबीन तो चाहिए, तो सोयाबीन कहां से आएगा, किसानों से, तो उड़ते हुए तो आएगा नहीं ना, ट्रक भेजना पड़ेगा, ट्रक भराएंगे, फिर ट्रक से पूरा मटेरियल यहां तक आएगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो मटेरियल हम क्या करते हैं, खेत से यहां तक लाने के लिए ट्रक से आया ना, तो ट्रक भाड़ा लगा, तब जाके फैक्ट्री में चीज आ पाई। तो ये ट्रक भाड़ा क्या है, गाड़ी भाड़ा, कैरिज इनवर्ड है ना। कोई सा भी प्रोडक्ट बनाओगे उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल मंगवाने तक का खर्चा भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसे माना जाएगा कि भैया ये खर्चा इस बुक पे किया गया सीधा, क्योंकि जब तक मटेरियल आता नहीं तब तक बनाते नहीं है इसको।
फिर दूसरा इसने क्या बताया फ्रेट, अगर प्रोडक्ट ट्रक की जगह किससे आ रहा है, रेल से आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे फ्रेट, फ्रेट मतलब होता है रेल भाड़ा, ठीक है। बाय ट्रेन मंगा रहे तो रेल भाड़ा यहां पर, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फिर इसके बाद कार्टेज, कार्टेज ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस से निकासी व्यय कहा जाता है इसको, ठीक है। फिर ध्यान रखना बेटा कैरिज इनवर्ड मतलब हमने रॉ मटेरियल मंगाया इसलिए, लेकिन अगर कैरिज आउटवर्ड जाता तो, आउटवर्ड मतलब सर प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया है और इसको क्या कर रहे हैं बाहर भेज रहे हैं, तो उसका कैरिज आउटवर्ड है ना, क्या आ नहीं रहा क्या, ठीक है। तो कैरिज आउटवर्ड को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कभी नहीं मानेंगे, हमें तो केवल इतना पता होना चाहिए कि सर ये बुक बनकर तैयार हो गई, तैयार हो गया बस हमने यहाँ पे रखी, इसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस खत्म। अब इसको बाहर क्यों भेज रहे होंगे, बेचने के लिए, तो बेचने से रिलेटेड एक्सपेंसेस में नहीं आएंगे, बस बनाने से रिलेटेड एक्सपेंसेस ही आएंगे, तो कैरिज आउटवर्ड इसमें नहीं आएगा, केवल इनवर्ड आएगा। फ्रेट रेल भाड़े को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानेंगे, कार्टेज निकासी व्यय को भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानेंगे। फिर इसके बाद फैक्ट्री अगर किराए पे दे रखी है, ले रखी है, तो फैक्ट्री का रेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि रोड पे तो प्रोडक्ट बनाना नहीं, हमें फैक्ट्री में बनाएंगे तो फैक्ट्री का रेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, क्लियर है। फिर फैक्ट्री रेंट के बाद वेजेस, वेजेस को क्या बोलते हैं, मजदूरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि फैक्ट्री में क्या दी जाती मजदूरी। वेजेस के बाद क्लियरिंग चार्जेस, अब सामान यहां से यहां तक आ रहा है, बोर्ड में छोटी सी जगह दिख रही है लेकिन मंगाते पंजाब से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, भोपाल ना, वहां से यहाँ तक आएगा ट्रक, तो बीच में कितने सारे टोल टैक्स आएंगे, कितनी सारी क्लियरिंग्स लेनी पड़ेगी, तो ये सारे चार्जेस भी किस पे जुड़ जाएंगे इस प्रोडक्ट में। अगर एक ट्रक को मैं क्या कर रहा हूँ महाराष्ट्र से यहाँ पे बुलवा रहा हूँ, तो वहां से कम से कम 20 टोल्स आ जाएंगे, और हर एक टोल कितना ले रहा है 400-500 रुपए भी ले रहा है, तो 20 टोल का कितना टैक्स बन जाएगा, 10,000 रुपए टैक्स ही टैक्स बन जाएगा, और ये टैक्स भी किस में जुड़ा जाएगा इस पे ही, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि भैया मटेरियल बनाते समय कुछ भी लग रहा है या लाते समय कुछ भी लग रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। फिर क्लियरिंग चार्जेस के बाद फैक्ट्री रेंट हो गया, फिर फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर, ठीक है। अब प्रोडक्शन चालू हुआ है तो बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है, तो बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए क्या लगता है, फ्यूल लगता है और पावर लगती है। हमारे घर के मीटर अलग रहते हैं, फैक्ट्रीज के मीटर अलग रहते हैं, वो हाई पावर मीटर सुन लगे रहते हैं, उसमें फ्यूल और पावर लगता है, तभी तो मशीन चालू होगी, कंप्रेस कर पाएगी उनको, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा फ्यूल एंड पावर। गैस एंड वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है, चाय बनाने वाली गैस नहीं है, इसमें गैस आती है CO2, वह LPG होती, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, बड़ी बड़ी मतलब इसमें क्या रहते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर या कार्बन डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन के, सबके सिलेंडर रहते। अब एक चिप्स के पैकेट आपने देखिए ना, खुली हुई रहती है, उसके अंदर चार चिप्स निकलती है, अपन मोटा पैकेट देख के खरीद लेते हैं, ठीक है। नहीं आजकल लड़के भी बजा के देखती है, हाँ इसमें ज्यादा है बालाजी वाले में, इसमें कम है, फिर हम वो लेते हैं, ठीक है। तो बेटा उसमें उसमें वो गैस भरी तो फूक मार के नहीं भरी होगी, ये गैस, ठीक है।
चिप्स के पैकेट इसमें एयर इसलिए भरी जाती है ताकि वो ऑक्सीडेशन है खराब होने से जल्दी खराब होने से उसको बचाया जा सके। तो गैस के सिलेंडर इसमें लगते हैं और सब में हाइड्रोलिक्स क्या नाइट्रोजन तो गैस इसी नहीं कोई सा भी प्रोडक्ट उसको कंप्रेस करने के लिए हाइड्रोलिक मशीन चाहिए और हाइड्रोलिक मशीन किससे चलती है अधिकतर गैस से है ना। गैस और पानी दोनों चीजें चाहिए नहीं तो अगर इस बोतल को बनाया तो इतना लो ये कॉपर उसको दबाया होगा प्रेस करने के लिए हाइड्रोलिक मशीन से लगी होगी। हाइड्रोलिक मशीन देखी है आपने किसी ने एक ऐसी आती बस सीधा उस पर से यू नीचे आती जूम करके उसके नीचे जो कुछ होता ना उसको दबा देती कितनी भी स्ट्रोंग अब इस बुक को कोई ज्यादा नहीं दबा सकता लेकिन हाइड्रोलिक मशीन होगी तो यहाँ पर आएगी उसको इतना दबाएगी कि बीच में से दो तीन हो जाएगी और एक और चपटी हो जाएगी मतलब किसी को भी जितना जाओ उतना प्रेस कर सकते चाहे उसके बीच में कोई लोहा भी आ जाए ठीक है तो उसको तोड़ देगा वो या पूरा दबा देगा कुछ नहीं होगा पापड़ बनेगा। चलो अब ध्यान दो कस्टम ड्यूटीज इसको लेना ही नहीं चाहिए वैसे चलो ठीक है। कस्टम ड्यूटीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा इसे बोलते हैं आयात शुल्क यदि आपका प्रोडक्ट दूसरे देश से आ रहा है ठीक है तो दूसरे देश से हमारे देश में आएगा जो टैक्स तो लगेगा उस टैक्स को कहा जाता है कस्टम ड्यूटीज। एक्साइज तो बंद हो गए जब से जीएसटी आया है। ऑक्ट्राई को क्या कहते हैं चुंगी कर लिख रहा ऑक्ट्राई चुंगी का मतलब बहुत सारे ऐसे और भी खर्चे रहते लाइक अब देखो आपके पास 50 टन क्या 5 टन सामान आया आपको कैसे पता है 5 ही टन होगा वेट किया था ना उसका मतलब नापा होगा कैसे नापा होगा ऐसा कौन सा तराजू जो ट्रक का पूरा वेट का नाप लेगा बिल्कुल सही तो उस समय भी क्या किया जाता है जो टैक्स दिया जाता है या जो पेमेंट किया जाता है उसको चुंगी कर कहा जाता है। और आपके पास एक ट्रक कितना सामान आया उसने बोला क्या तो 5 टन है तो आपको कैसे पता चलेगा 5 टन है इतना बड़ा तराजू तो आसपास कहीं मिलेगा नहीं ठीक है तो इनको तोलने के लिए स्पेशल तोल कांटे बने हुए हैं जैसे यहाँ पर पास में बना है मित्तल तोल कांटा ठीक है तो आपको पता तो हो सकता है उसने 4.5 टन दिया हो आप तोल तो नहीं पाओगे ऐसे किस तरीके से टन की बात कर रहे हम किलो की क्विंटल की बात नहीं कर रहे है ना। तो ये एक तरीके से क्या होता है इस प्रकार की मशीन है यहाँ पे ट्रक आएगा चढ़ेगा उस समय इसका वेट किया जाएगा चलो ये 5 टन आ रहा है ट्रक सही है ना फिर ट्रक वहां पे जाएगा फैक्ट्री में खाली होगा फिर खाली होने का फिर ट्रक को इधर बुलाएंगे फिर तोलेंगे फिर वेट बताएगा मतलब फिर भरे हुए में कितना वेट था और खाली होने का कितना वेट हुआ तो डिफरेंस अमाउंट टन होगा ना तो ऐसे करके वेट तोला जाता है किसी का भी कोई सा भी भारी से भारी सामान आता है इस तरीके से तोला जाता है कि ट्रक आया तो सबसे पहले सीधे गोदाम में नहीं आएगा आप क्या बोलोगे जाओ भैया सबसे पहले तोल कांटे पे जाओ इसका वेट करवाओ कि ट्रक भरा था तब कितना वेट था अबे तोल कांटे वाला रिसीप्ट देता है इसकी एक रिटर्न कि इतना है इसका वेट फिर ये जाता ट्रक वाला वहां पे जाके फैक्ट्री में दिखाता है देखो इतना वेट है इसका फिर बोलते चलो अब ट्रक खाली करो अब खाली होने के बाद बोले फिर वापस जाओ वहां पे तोल कांटे पे फिर तुलवा लाओ और खाली होने के बाद ट्रक की कीमत क्या है तो डिफरेंस अमाउंट से पता चल जाता है कि हाँ इतना टन इसमें क्या था ट्रक में सामान था इस तरीके से तोला जाता है क्लियर है तो उस समय जो टैक्स दिया जाता है चुंगी कर के नाम से आना जाता है ऑक्ट्राई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्योंकि अभी प्रोडक्ट बनना चालू नहीं हुआ और ये सब बनने से रिलेटेड एक्सपेंसेस है इसके फिर और आ गया वेजेस वेजेस हो गया ना एक और आ जाएगी वेजेस एंड सैलरी
अब फैक्ट्री में सभी मजदूर नहीं होते, कुछ अकाउंटेड होते, कुछ प्रोफेशनल फील्ड में रहते, तो वो भी क्या आपके लाएंगे वेजेस एंड सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और इसके बाद प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस, कोई से और खर्चे जो आपको लग रहा है प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। और क्या हो सकता है सर, मशीनरी किस पे आएगी? मशीन एक्सपेंस नहीं, मशीन हमारी असेट्स है, हम केवल एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। अकाउंट के चार थंब होते हैं, चार स्तंभ होते हैं, खंबे एक तरीके से, इनकम एक्सपेंसेस असेट्स लाइबिलिटीज। हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं ना कि असेट्स की, मशीन हमारी फिक्स असेट्स है। प्रोडक्शन के बाद फैक्ट्री लाइटिंग और रॉयल्टी, फैक्ट्री का तो हो गया इसमें फ्यूल एंड पावर में कर देना, रॉयल्टी अधिकार शुल्क बहुत ज्यादा जरूरी है। अधिकार शुल्क क्या होता है? रॉयल्टी आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो आपने किसी जगह का यूज करा है, किसी संपत्ति का, किसी नाम का यूज करा, तो उस नाम के बदले में जो आपको भुगतान करना पड़ता है उसे रॉयल्टी कहा जाता है, अधिकार शुल्क। ये आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और कुछ खर्चे है क्या इसमें? बस बेटा ये कर लो, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक एक्साइज ड्यूटी भी लिख लो, हालांकि बंद हो गई है। इससे बोल सकते हो उत्पादन का कर, ये क्या होता है? किसी प्रोडक्ट को बनाते समय गवर्नमेंट क्या करते थे, फैक्ट्री पे इस प्रोडक्ट पे जो टैक्स चार्ज करते थे उसे एक्साइज ड्यूटी कहते थे। लिख लिया बेटा, हो गया। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ सर? ऐसे एक्सपेंसेस जो किसी प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस मोस्टली फैक्ट्री में होते हैं, ठीक है? तो इसे हम फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। इन सभी एक्सपेंसेस को हम किस में चार्ज करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में चार्ज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद होना चाहिए सर, ओपनिंग स्टॉक परचेस माइनस करेंगे परचेस रिटर्न टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सारे एक्सपेंसेस वहां पे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है? बाय साइड सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आएगा, इधर क्या करेंगे डिफरेंस अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, बाय साइड आया डिफरेंस स्टॉक ग्रॉस लॉस। तो पहला अकाउंट तो अभी हुआ विदाउट एडजस्टमेंट, अभी इसमें किसी भी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं करा अपन ने, एडजस्टमेंट करना पड़ेंगे आपको पहले, ये तो करे अपन, ठीक है? चलो बाकी आप पहले तो ये याद करना जरूर है, याद होना चाहिए आपको।